हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए 13.3 से क्वेश्चन नंबर एक और दो को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर एक में हमसे क्या कहा गया है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये हमारा गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है और ये धातु से बना हुआ है। तो इसी गोले को पिघलाकर इस तरह के बेलन के रूप में बना दिया जाता है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई हमसे पूछी गई है, यानी कि हमें इसकी ऊंचाई बतानी है इस बेलन की। तो देखिए कैसे बताएंगे, इसके लिए सबसे पहले हम डिटेल लिख लेते हैं जो जो हमें दिया गया है वो। तो हमें गोले की त्रिज्या दी गई है, तो सबसे पहले हम गोले की त्रिज्या लिख लेते हैं और इसको हम R1 मानेंगे, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या हमें दी है और इसकी भी त्रिज्या दी गई है, तो इसको R1 मानेंगे जो कि 4.2 सेंटीमीटर है। इसी तरह से अब हम जो बेलन है तो बेलन की त्रिज्या को भी लिख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या को क्या करेंगे हम कि R2 मानेंगे, तो ये हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर समझिए कि जितना इस गोले का आयतन होगा उतना ही इस बेलन का आयतन भी होगा, क्योंकि जितना धातु से ये बना हुआ है गोला, इसी को पिघला करके ही इस बेलन को बनाया गया है, यानी कि उतना ही धातु यूज किया गया है इस बेलन को बनाने में जितना धातु से ये गोला बना हुआ है, इसीलिए दोनों का आयतन बराबर होगा। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो गोले का आयतन होगा तो इसके बराबर में होगा क्या, बेलन का आयतन। तो यहां पर हम लिख देंगे इस तरह से, बेलन का आयतन, यानी कि गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन है तो इसका सूत्र लिखेंगे, क्या होता है गोले का आयतन, ये होता है 4/3 पाई आर, और हमने गोले की त्रिज्या को R1 माना है इसीलिए R1 लिखेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन हो गया। और बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है पाई आर, और इसकी त्रिज्या को R2 माना है तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले ये पाई से पाई हमारा कट जाएगा, तो इधर बचेगा ये 4/3 गुणा में R1 का क्यूब है, तो R1 कितना है, 4.2 है, तो इसीलिए हम R1 की जगह पे 4.2 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4.2, और ये क्योंकि क्यूब है तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा कि 3 बार लिखा जाएगा इस तरह से, बराबर में R2 का स्क्वायर है तो R2 6 है तो ये 6 हो जाएगा, स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखेंगे, गुणा में H, H हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब इसको आगे करते हैं, तो ये 4/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो ये 4.2 है ना, इसको हम 42 लिख लेते हैं और 10 से भाग कर देते हैं, क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया तो इसीलिए 10 से भाग हो जाएगा। इसको भी ऐसे करेंगे, 42 लिख दिया और 10 से भाग, इसको भी ऐसे करेंगे 42 लिख के और 10 से भाग। अब इसके बाद जो ये 6 × 6 है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये हमने किया, इधर क्या बच गया अब एच। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये 6 × 6 = 6, 6 × 7 = 42 कट गया, इसके अलावा ये 6 × 6 = 6, 6 × 7 = 42 ये भी कट गया, और ये 3 × 3 ये 14 × 42 ये भी कट गया, तो ऊपर 4, 14, 7 और 7 बच रहा है। तो जब हम इन चारों का गुणा करेंगे 4, 14, 7 और 7 का, तो आपका आंसर आएगा 2744 बटे में क्या है 10 × 10 × 10, यानी कि 1000 बराबर में H। ठीक है, अब देखिए 1000 से हमें इसको भाग करना है, तो 1000 में 3 0 है, इसीलिए हमारा इसमें क्या होगा कि जो पॉइंट है वो पीछे से 3 अंकों के बाद लग जाएगा, यानी 1 2 3, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.744 बराबर H। तो ये आ गया हमारा हाइट। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.74, और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर बराबर H, क्योंकि हम जनरली पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही लिखते हैं,
ठीक है, तो इसीलिए हम 2.74 और ये सेंटीमीटर लिख देंगे, तो यही हमारा इस बेलन की ऊंचाई हो गई, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर एक का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर दो को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर दो में हमसे क्या कहा गया है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, जो कि धातु से बने हुए हैं। तो इन 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया जाता है। तो इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या हमसे पूछी गई है, जिसको बनाया गया है इन 3 छोटे गोलों को पिघला के। ठीक है, तो देखिए कैसे बताएंगे इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या। इसके लिए सबसे पहले ये समझिए कि जितना इन 3 गोलों का आयतन होगा, उतना ही इस अकेले बड़े वाले गोले का आयतन होगा। क्यों? क्योंकि इन 3 गोलों को पिघला करके ही ये बड़ा वाला गोला बनाया गया है, इसीलिए इन 3 का आयतन बराबर होगा इस बड़े वाले गोले के आयतन के। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 3 गोले का आयतन बराबर होगा किसके, बड़े गोले का आयतन के। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे करते हैं, 3 गोले का आयतन का मतलब क्या है, ये 3 गोलों का आयतन। तो अब हम इनका सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले गोले के आयतन का सूत्र लिखेंगे, तो ये होता है हमारा 4/3 πr³। तो देखिए पहले वाले गोले की त्रिज्या को हमने r1 माना है, इसीलिए r1 का क्यूब हो जाएगा। इसमें हम जोड़ेंगे इस दूसरे वाले गोले के आयतन को, यानी कि 4/3 π, और दूसरे गोले की त्रिज्या को r2 माना है, तो r2 का क्यूब हो जाएगा। प्लस ये तीसरे वाले गोले के आयतन को भी जोड़ेंगे, यानी 4/3 π, और इसकी त्रिज्या को r3 माना है, इसीलिए r3 का क्यूब बराबर होगा इस बड़े गोले का आयतन। तो इसका भी सूत्र यही होगा, 4/3 π। अब इसकी त्रिज्या को हम r4 मान लेते हैं, ठीक है, तो पाई r4 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इन 3 में ध्यान से देखिए, तो 4/3 π हम कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए 4/3 π कॉमन लेंगे। और अब क्या बचेगा इसका, इसका बचेगा r1 का क्यूब, प्लस इसका बचेगा r2 का क्यूब, प्लस इसका बचेगा r3 का क्यूब, बराबर में इधर 4/3 πr4 का क्यूब। तो देखिए 4/3 π से ये 4/3 π कट जाएगा। तो अब इधर हम इनके सबका मान रखते हैं, r1 का क्यूब है, तो r1 6 सेंटीमीटर है, यानी 6 का क्यूब हो जाएगा। प्लस r2 हमारा 8 है, तो 8 का क्यूब हो जाएगा। प्लस r3 10 है, तो 10 का क्यूब हो जाएगा। बराबर r4 का क्यूब है, तो ये हमें नहीं पता, इसीलिए इसको एज इट इज लिखेंगे। अब 6 का क्यूब कितना होता है, तो ये हमारा 6 का क्यूब यानी 6 का घन 216, प्लस 8 का घन ये होता है 512, प्लस 10 का घन 1000, बराबर r4 का क्यूब। अब इनको जोड़ेंगे 216, 512 और 1000 को, तो ये आएगा हमारा 1728, बराबर में r4 का क्यूब। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। तो यहाँ देखिए 1728 है, तो ये हमारा किसका घन होता है, ये होता है 12 का घन, इसीलिए हम यहाँ पर 12 का घन लिख सकते हैं, क्योंकि 12 का घन ही 1728 होता है, इसीलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर में r4 का क्यूब है। अब ऐसा हमने क्यों लिखा है, ताकि ये घन से ये घन कट जाए, तो क्या बचा अब 12 बराबर r4, यानी कि जो ये बड़े वाले गोले की त्रिज्या है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का।
तो आई होप आपको इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन नंबर एक और दो का सॉल्यूशन किया अच्छे से समझ में आ गया है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।